Good morning, students. Hi. Today in Piles Easy Commerce, we are starting with this ISO certification. What is this ISO certification and why is it so important? So there is something known as ISO 9000. Okay. So ISO है ना एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है. मतलब उनका जो मार्क रहता है, हाउ एग्रीकल्चर के लिए एग मार्क है, एज ए इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए यू रिक्वायर द आईएसओ मार्क. अने ये स्विट्जरलैंड में है. यू विल ऑलवेज सी के यूरोप के सब जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सुपर्ब रहते हैं. दे हैव अ लाइक जर्मनी स्पेशली एंड स्विट्जरलैंड. सो इट इज एस्टेब्लिश्ड टू डेवलप अ कॉमन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड. तो यू विल ऑल्सो सी लॉट्स ऑफ इस्त्री है, वो आईएसओ मार्क है. आईएसओ 9000 एंड उसमें ना अभी लेटेस्ट लेटेस्ट है 9000 एंड 9004, उसके बाद 2019, 2018, ऐसे सब उसके क्या बोलते हैं, इट इज रिटन लाइक दैट. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर. द आईएसओ 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट. सो द आईएसओ 9000 फैमिली एड्रेसेस वेरियस एस्पेक्ट्स. ओके. सो यहाँ पे क्या होता है, सपोज आईएसओ 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है रिक्वायरमेंट्स के लिए. फिर 2009 आईएसओ 9004 2018. तो यहाँ पे क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और कैसा उनका गाइडेंस है टू अचीव सस्टेन्ड सक्सेस. मतलब 50 साल पुरानी कंपनी है और स्टिल पीपल लाइक दैट प्रोडक्ट्स बिकॉज दे हैव ओवर द इयर्स एनहेंस अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट किए हैं. तो अगर मुझे आईएसओ 9004 2018 या 2019 लेटेस्ट मुझे सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए क्या मुझे जरूरत है, तो ये सब स्टेप्स है उसके. तो पहला है इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्वालिटी प्रोसीजर्स. तो क्या है उसमें, द कंपनी विशेस टू ऑब्टेन ISO 9001 सर्टिफिकेशन शुड इवैल्यूएट इट्स एग्जिस्टिंग क्वालिटी प्रोसीजर्स कि अभी प्रेजेंट कैसा है. दिस इज बिकॉज अ कंपनी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू गेट इटसेल्फ ISO सर्टिफाइड इफ इट इज नॉट फुलफिल सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी. मतलब अगर मेरा सर्टेन मिनिमम क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स नहीं है तो मुझे वो नहीं मिलेगा बिकॉज दैट वो मुझे मार्क ही नहीं देंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद आई हैव इज इनिशिएटिंग करेक्टिव एक्शन इफ द कंपनी फाइंड्स डेफिशिएंसीज देन देयर इज अ नीड टू करेक्ट सच डेफिशिएंसीज. तो कैसे वो करेक्ट होएगा, इन्वेस्टिगेटिंग द कॉज ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स, एनालाइजिंग प्रोसेसेस, रिकॉर्ड्स, कस्टमर कंप्लेंट्स टू डिटेक्ट एंड टू एलिमिनेट पोटेंशियल कॉजेस ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स, उससे मुझे करेक्शन मिल जाएगा. उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम. तो व्हेन आई एम हैविंग दिस क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम, तो ये क्या होता है, एक ट्रेनिंग दिया जाता है जिसमें दे आर मेकिंग श्योर दे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कौन से हैं. ऑल्सो दिस ट्रेनिंग हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज एंड अदर एक्टिविटीज. सो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स करने के लिए मुझे ये प्रेपरेशन ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस चाहिए. उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ क्वालिटी मैन्युअल. तो यहाँ पे कंपनी मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर अ क्वालिटी मैन्युअल. सो द क्वालिटी मैन्युअल वुड ऑल्सो प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म सो एज टू हैव मेनी क्वालिटी स्टैंडर्ड. सो दैट इज द प्रेपरेशन ऑफ क्वालिटी मैन्युअल. सो उसमें आई हैव इज परचेज प्रोसीजर्स, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी. This relating to the handling and storage of inventory, packaging and delivery, servicing of a product, तब उसका ये पूरा क्वालिटी मैनुअल होएगा. उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सर्टिफिकेशन एजेंसी. तो जो भी एजेंसी वो देती है ये मार्क, उसमें आईएसओ 9001 सर्टिफिकेशन. ओके. द कंपनी मे सिलेक्ट दिस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS और अ फॉरेन अक्रेडिटेड एजेंसी. वो कंपनी डिसाइड कर सकता है कौन उसको वो मार्क देगा, फॉरेन वाला ब्रांड या इंडियन वाला वो ब्रांड, व्हाटएवर इट इज. देयर आर ऐसे
इंडिया के भी दो ऐसे दो तीन एजेंसीज है और फॉरेन के भी है जो ऐसे माप देते हैं, आईएसओ 9004 व्हाटएवर, दे आर लीगली एलिजिबल टू डू दैट. तो कौन सा एजेंसी के पास, लाइक फॉर एग्जांपल हाउ वी हैव मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाउ वी हैव ऑटोनोमस कॉलेजेस, तो आप कौन से कॉलेज से वो करना चाहते हो वो आपका चॉइस है या एडमिशन के ऊपर है. सिमिलरली मैं कौन से एजेंसी के पास जाके मुझे वो लेने का है वो मेरे ऊपर निर्भर है. उसके बाद आई हैव इज अ प्री असेसमेंट मीटिंग. तो प्री असेसमेंट मीटिंग में जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है उनके साथ एक मीटिंग रहता है. दे एनालाइज द क्वालिटी मैनुअल एंड टू अप्रेज द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बीइंग अडॉप्टेड बाय द फर्म. सो द फर्म में ऑल्सो कम टू नो ऑफ एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स कि नहीं ये थोड़ा नहीं हुआ. अच्छा आप बिफोर वी गो ऑन वी जस्ट यू नो यू मेक श्योर दिस इज चेंज्ड. उसके बाद प्रिलिमिनरी विजिट होता है. दे अरेंज फॉर अ प्रिलिमिनरी विजिट टू द फर्म एंड नोटिफाइज द कंपनी ऑफ एनी सिग्निफिकेंट ओमिशंस और डिविएशंस सो दैट देर इज अ सूटेबल मॉडिफिकेशन और चेंजेस दैट कैन बी मेड प्रायर टू द असेसमेंट विजिट. उसके बाद देर इज सर्टिफिकेशन. फाइनली क्या होता है, मतलब सॉरी वो एक्चुअल असेसमेंट हुआ वेर इन द पर्सन वो आया है, देख रहा है अगर कुछ सिस्टम फेलियर है, कुछ डेफिशिएंसी है, तो दे विल गिव द सर्टिफिकेट वंस दैट डिस्क्रिपेंसी हैज बिन रेक्टिफाइड. अगर हुआ तो, अगर प्रोडक्ट सुपर है देन तो देर इज नो सेकेंड थॉट ओनली. देन फाइनली यू गेट दैट सर्टिफिकेशन दैट ओके आईएसओ 9001 2018 या सॉरी 9004 2018 या 9001 2008 डिपेंड्स. मतलब वो कौन से टेक्नोलॉजी में उन्होंने क्या यूज किया है वो हिसाब से उसको सर्टिफिकेट मिलेगा. और उसके बाद आई हैव अ सर्वेलेंस. तो द अक्रेडिटेड एजेंसीज रजिस्टर नॉर्मली परफॉर्म्स पीरियोडिक सर्वेलेंस. एजेंसीज में अंडरटेक अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ द फर्म्स क्वालिटी सिस्टम्स ऑफ द सर्टिफाइड फर्म्स. सो द एजेंसीज रजिस्टर विल सस्पेंड और कैंसल द रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन. सो ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर सर्वेलेंस. थैंक यू स्टूडेंट्स. नाउ आई होप दिस प्रोसीजर हैज बिकम वेरी इजी.